ट्वेल्थ क्लास मैथ्स। तो देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। डिटरमिनेंट चल रहा है और डिटरमिनेंट काफ़ी आसान है। अगर तुम्हें मैट्रिक्स की नॉलेज है तो तुम डिटरमिनेंट बहुत आसानी से कर पाते हो, और अगर नहीं है नॉलेज तो नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 4.3। क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया, और तीन पॉइंट दे रखे हैं, 1.0, 6.0 और 4.3। कितने पॉइंट दे रखे हैं भाई, तीन। तो मालूम होगा ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला तुमने 10th क्लास के अंदर भी सीखा था और 11th क्लास के अंदर भी सीखा था, है ना, याद है ना। x1/2 x1 ब्रैकेट में y2 - y3, है ना, 1 2 3 2 3 1 करके, है ना, वो लंबा वाला फॉर्मूला। तीन पॉइंट दे रखे हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, है ना, तीन पॉइंट दे। लेकिन ध्यान रखना वो फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है। अगर वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता तो इस चैप्टर में देने का क्या मतलब था। हम यूज करेंगे डिटरमिनेंट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, डिटरमिनेंट फॉर्मूला, बहुत ही आसान है, बोर्ड पे देखना। ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना चाहते हो तो देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो कैसे, 1/2 तो अब भी आएगा, लेकिन अब बनाना है तुम्हें एक डिटरमिनेंट। अब तुम्हें क्या बनाना है, एक डिटरमिनेंट। देखो बनाना बहुत आसान है, एक बार सिखाऊंगा आ जाएगा, बहुत आसान चीज है, बहुत ही ज्यादा आसान, एक बार सिखाते के साथ ही आ जाएगा। देखो पहला पॉइंट क्या है, 1, पहला पॉइंट क्या है, 6, पहला पॉइंट क्या है, 4। यहां पर एक्स की वैल्यू 1, यहां पर एक्स की वैल्यू 6, यहां पर एक्स की वैल्यू 4, 1 6 4, 1 6 4। बोर्ड पर देखो तसल्ली से, y की पहली वैल्यू 0, y की दूसरी वैल्यू 0, y की तीसरी वैल्यू 3, 0 0 3, 0 0 3। समझ में आ गई बात। तुमने क्या करा, तुमने इन कोऑर्डिनेट्स को उठाकर डिटरमिनेंट बना दिया। तुमने इन कोऑर्डिनेट्स को उठाकर क्या बना दिया, डिटरमिनेंट बना दिया। अब तुम सोच रहे होंगे तीसरे कॉलम में क्या आएगा, तो ध्यान रखना तीसरे कॉलम में तुम्हें अपनी तरफ से क्या लगाना होता है, 1 1 1। मुझे बताओ क्या तुम्हें डिटरमिनेंट बनाना आ गया पॉइंटों से। अगर तुम्हें डिटरमिनेंट बनाना आ चुका है पॉइंटों से, बस तो फिर तो एरिया चुटकियों में निकल जाएगा। अब एक बार अगर तुमने डिटरमिनेंट बनाना सीख लिया तो एरिया निकालने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट का खेल है बस। एरिया बनाना 2 मिनट का खेल है, क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, और मैंने तुम्हें डिटरमिनेंट सॉल्व करना 4.1 में 4.2 में खूब सिखाया है ना। देखो डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा जीरो होए करे उससे सॉल्व किया करो। जिस रो के अंदर या जिस कॉलम के अंदर सबसे ज्यादा क्या हो, जीरो हो, उससे सॉल्व करो। मुझे बताओ कॉलम 1 में तुम्हें, सॉरी कॉलम 2 में सबसे ज्यादा जीरो दिखाई दे रहे हैं ना, हम सॉल्यूशन भी कौन से कॉलम से करेंगे, कॉलम 2 से। तो सॉल्व करते हैं, तो बोर्ड पे देखना जरा 2 मिनट के लिए। 1/2 ऐसे ही चल रहा है। मुझे बताओ जब तुम कॉलम 2 से सॉल्व करोगे तो जीरो लेने की जरूरत नहीं है, जीरो लेने की जरूरत नहीं है, सीधा किस पर आओगे, 3 पर। बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए, बोर्ड पर देखो, एक कर्ली ब्रैकेट बना लो। देखो 3 लिया, मुझे बताओ 3 किस में आ रहा है, एक तो तीसरी रो में आ रहा है ना, और एक दूसरे कॉलम में आ रहा है। मैंने तुम्हें देखना सिखाया था ना, देखो तीसरी रो और दूसरा कॉलम क्या क्या बच गया, 1 1 6 1, है ना, 1 1 6 1। कोई डाउट तो नहीं है इस चीज में जो मैंने कराया है। अब साइन सोचना है, मैंने तुम्हें साइन सोचना भी बताया था। देखो कैसे लगाते हैं साइन, बोर्ड पे देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस।
क्या लगा दिया साइन? माइनस। अब एक चीज और मैं तुम्हें बताऊंगा भाई, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं आता है। क्या कभी भी किसी भी चीज का एरिया नेगेटिव होता है? नहीं, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एंड में ना माइनस के साइन को इग्नोर कर देना, एंड में माइनस के साइन को क्या करना है तुम्हें? इग्नोर। अगर आएगा तो, अगर सॉल्व करने के बाद एंड में क्या आता है? माइनस का साइन आता है। सपोज सब कुछ सॉल्व कर लिया, एंड में डिजिट आई माइनस के 10, एंड में क्या डिजिट निकल कर आई? माइनस के 10। उस माइनस को अगले स्टेप में इग्नोर कर देना बिना किसी रीजन के, ठीक है? कोई रीजन देने की जरूरत नहीं, सीधा मना कर देना, है ना, मतलब हटा देना। खैर अब देखते हैं आगे क्या होगा। देखो बाहर तो -3 ऐसे ही चलेगा, अंदर सॉल्व करते हैं। देखो मालूम है ना कैसे करते हैं? 1 की 1 से करी 1 और 6 की 1 से करी 6। अब अंदर थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे भाई, अंदर हमें थोड़ा सा और सॉल्व करना है। देखो इधर 1/2 ऐसे रहेगा, -3 भी ऐसे रहेगा। बताओ 1 में से 6 गए, माइनस के 5 बचेंगे ना, अंदर बच गए माइनस के 5। अब 1/2, हाँ माइनस माइनस तो हो जाएंगे, प्लस और 5 की 3 से करी 15। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। ध्यान रखना एरिया में स्क्वायर यूनिट्स लगाना बहुत जरूरी होता है, मालूम है ना? एरिया के अंदर स्क्वायर यूनिट लगाना है। अब यूनिट तो हमें मालूम नहीं है, तो हमने सिर्फ क्या लिख दिया? स्क्वायर यूनिट। ये सेंटीमीटर में है या मीटर में है या किलोमीटर में, कुछ नहीं पता, इसलिए हमने क्या लिख दिया? सिर्फ स्क्वायर यूनिट। तो अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है। देखो पॉइंट बदल गए हैं, तरीका रिमेन्स सेम। तो स्टार्ट करते हैं भाई, पहला पॉइंट दिया गया है 2,7, दूसरा पॉइंट है 1,1, तीसरा पॉइंट है 10,8। बहुत ही बढ़िया। तो मैं मालूम है क्या निकाल रहे हैं हम? एरिया निकाल रहे हैं भाई। हर बार क्या कैलकुलेट करते हैं? एरिया कैलकुलेट करते हैं। और एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है। तो लिखो एरिया का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, ठीक है? एरिया का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है? एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया है 1/2 डिटर्मिनेंट। देखो पहला पॉइंट 2, 1, 10, 2, 1, 10 है ना, 7, 1, 8, 7, 1, 8। अब तीसरे कॉलम में क्या डालें? मैंने बताया है तीसरे कॉलम में हमेशा क्या लेना है? 1, 1, 1। तो ले लो 1, 1 और 1, ठीक है? तो हमने कितनी आसानी से इसको तैयार कर लिया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा अगर हम कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने हल जोत दी है, ऐसा कुछ भी नहीं करा है हमने, ठीक है? बहुत ही सिंपल सा काम है। अब तुम्हें मालूम है इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, ठीक है? और वो तो अब हमें इस चैप्टर में बहुत अच्छे से आ गया है। डिटरमिनेंट सॉल्व करना बाएं हाथ का खेल बन चुका है अब हमारे लिए। देखो किससे सॉल्व करोगे? अब तो हमें सब कुछ आ गया, किसी से भी सॉल्व कर लो। देखो मैं पता है किससे सॉल्व कर रहा हूं, पहली रो से। तो कर्ली ब्रैकेट बना लेंगे पहले बड़ा सा, ताकि इसके अंदर आराम से आ जाए। देखो पहला एलिमेंट क्या है? 2। देखो बोर्ड पे 2 किस में आ रहा है? पहली रो में। और किस में आ रहा है? पहले कॉलम में। क्या बच गया? 1, 1, 8, 1, है ना? तो 1, 1, 8, 1, बहुत ही बढ़िया, ठीक है? अगला एलिमेंट क्या है? 7। 7 आ गया, ये लो। 7 किस में आ रहा है? देखो 7 किस में आ रहा है, ध्यान से देखो, 7 आ रहा है पहली रो में दूसरे कॉलम में। तो क्या क्या बच गया? 1, 1, 10, 1, 1, 1, 10, 1। अब अगला देखो, यहां पर क्या आ रहा है? 1। 1 किस में आ रहा है? पहली रो में और तीसरे कॉलम में। तो क्या बच गया? ये बच गया 1, 1, 10 और 8। अब साइन की बारी। मैंने बताया था साइन तो बहुत ही आसान होता है, प्लस माइनस प्लस, है ना? यहां पर प्लस लगाओ या मत लगाओ, माइनस प्लस।
स्टार्टिंग में प्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। हाँ माइनस होता तो जरूर लगाते हैं, माइनस में कभी भी ढील मत दिया करो, ठीक है। माइनस में अगर तुम ढील दोगे तो कैसे काम चलेगा भाई। तो माइनस में ढील नहीं देनी चाहिए। देखो वन की वन से 1 माइनस 8, वन की वन से और 10 की 1 से, 8 की 1 से और 10 की 1 से। तो देखो आगे बढ़ते हैं, देखो 1 में से 8 गए -7, -7 की 2 से करेंगे -14, है ना। अब इधर देखो 1 में से 10 गए -9, 1 में से 10 गए -9, -9 की -7 के साथ तो माइनस माइनस तो हो जाएंगे प्लस, और 7 की 9 के साथ 63। अब इधर देखो 8 में से 10 गए -2, -2 की 1 के साथ तो -2, है ना। देखो मैं बिल्कुल बच्चों की तरह कैलकुलेशन समझाता हूँ, जबकि 12th क्लास में इस चीज की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी समझते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 14 और 2 तो हो जाएंगे ऐड, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 14 और 2 हो जाएंगे 16, और 63 में से 16 जाएंगे भाई। 63 में से क्या माइनस कर देंगे, 16, तो 13 में से 6 गए 7 और 5 में से 1 गए 4, 47। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ भाई, हमारा आंसर सही होना चाहिए। बिल्कुल अंदर क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है 47। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, 47/2। क्या इसको डिवाइड करने की जरूरत है, नहीं कोई जरूरत नहीं है। हाँ एंड में स्क्वायर यूनिट जरूर लगा देना। क्यों स्क्वायर यूनिट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एरिया किसमें होता है, हमेशा एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में ही होता है, इसलिए हमें स्क्वायर यूनिट तो भाई लगाना पड़ेगा, वरना हो सकता है टीचर आधा नंबर काट ले। तो अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, देखते हैं थर्ड पार्ट के अंदर ऐसा क्या खास है जो हमें मिलने वाला है, ठीक है। वैसे तो देखो थर्ड पार्ट के अंदर कुछ भी खास नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम तो करते हैं, जरूर करते हैं। -2 -3 3 2 -1 -8, है ना। फटाफट से एरिया का फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या फॉर्मूला बनता है, अब तो आदत सी हो गई है। देखो -2 3 -1, पहला पहला पॉइंट, पहला पहला पॉइंट। अब देखो दूसरा दूसरा पॉइंट, -3 2 और -8, -3 2 और -8, ठीक है। अब तीसरे कॉलम में क्या आएगा वो ले लेते हैं। तीसरे कॉलम में क्या आएगा, 1 1, तीसरे कॉलम में 1 1। अब इसको इवेल्युएट करेंगे, तो मैं फिर से वही बोलूंगा, किससे इवेल्युएट करोगे, कौन से रो से और कौन सी कॉलम से, ठीक है। तो अपनी मर्जी है भाई, है ना। तो कर देते हैं भाई इसको फटाफट से, देखो क्या चलेगा मुझे बताओ। देखो एक काम करते हैं भाई, पहली रो में ही करेंगे हम, तो हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते, हम तो पहली रो पर ही काम करते हैं। देखो पहली रो -2 आ रहा है पहली रो में, है ना। पहली रो में क्या आ रहा है, -2। देखो -2 किसमें आ रहा है, पहली रो और पहले कॉलम में, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट कर दूं क्या दिखाई दे रहा है, 2 1 और -8 और 1, मैं सीधा कर दूं, 2 की 1 से करी 2 और -8 की 1 से करूंगा तो -8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो +8, है ना। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, -3। अगला पॉइंट क्या है, -3। देखो अभी मैं साइन चेंज करूंगा, मुझे बताओ। अब देखो यहां पर अगला स्टेप, -3 किसमें आ रहा है, -3 आ रहा है पहले रो में और दूसरे कॉलम में, तो क्या बच गया, 3 1 -1। चलो मैं तुम लोगों के लिए एक स्टेप कर ही देता हूं, चलो छोड़ो, 3 की 1 से करी 3 और -1 की 1 से करी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा ये माइनस माइनस क्यों प्लस हुआ, क्योंकि एक माइनस इसका आएगा और एक माइनस फॉर्मूले का होता है, याद है ना, 2/2 के डिटरमिनेंट में बीच में क्या आता है, माइनस। अब इधर देखो 1 प्लस का, देखो अब इधर 3 और 2 और -8, तो -8 की 3 से करेंगे, 8 3 24, -24। अब माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस और 2 1 2, है ना। अब साइन चेंज करेंगे, देखो अभी तो मैंने वही साइन लिखी है जो क्वेश्चन में दिए गए थे, मुझे बताओ यहां पर आता है प्लस, ये माइनस ये प्लस, देखो
यहां पर तुम्हारा प्लस आता है, क्या आता है? प्लस आता है। मुझे बताओ प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ही आएगा, ठीक है। यहां पर क्या आता है? माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर क्या आता है? प्लस, तो प्लस ही रहेगा। समझ में आ रहा है ना कि साइन कैसे चेंज करते हैं? देखो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, जो डिजिट का साइन है वो तो लेना ही लेना है, और जो हमारा साइन आता है उसको सॉल्व कर देना है। एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, मालूम है ना मैंने तुम्हें साइन देखना सिखाया था। यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ पर माइनस, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना, ठीक है। अब देखो अगर प्लस लगाओगे, एक माइनस पहले से ही है तो प्लस माइनस माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस पहले से ही है, एक माइनस और लगाओगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ये है मेरा कहने का मतलब। अब जरा आगे सॉल्व कर देते हैं, देखो जरा, 8 और 2 10, और 10 की 2 से करेंगे माइनस के 20, 3 और 1 4, 4 की 3 से करेंगे 12, माइनस 24 प्लस 2 माइनस 22 की 1 से करेंगे माइनस 22, मतलब कि 22। सॉल्व कर दो अब आगे इसको, देखो माइनस का 22 और माइनस का 20 तो माइनस के 42, और माइनस के 42 में 12 जाएंगे तो माइनस के 30 बचेंगे, माइनस के 30 अपॉन में 2, एंड में आएगा माइनस के 15, क्योंकि 30 को एक बार चेक कर लेते हैं भाई आंसर, ठीक है। वैसे तो तुम्हें भी मालूम है ये माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है, ये बात मैंने पहले बता दी थी। माइनस के 30 को 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के 15 आ जाएगा, ठीक है। अब एंड में इसका मॉडुलस निकाल देंगे तो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा? 15 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अच्छा माइनस क्यों हटा दिया? पहला रीजन तो ये है कि माइनस इसलिए हटा दिया क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए माइनस हटा देना है। क्या माइनस हटाने के लिए हमें कोई रीजन देना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा? तो आंसर है नो, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या शो करना है कि पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। देखो कोलिनियर शो करने का मतलब तुम्हें याद होगा, 10th में भी तुमने पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। कोलिनियर उसे कहते हैं जब एरिया कितना आता है? जीरो। कोलिनियर हम उन पॉइंट्स को बोलते हैं जब एरिया कितना निकल कर आता है? जीरो निकलता है। तो देखते हैं जीरो निकलेगा, ध्यान रखना, एरिया अपने आप ही कितना निकल कर आएगा भाई? जीरो ही निकलेगा, गारंटी है अगर सही करोगे तो। तो स्टार्ट करते हैं, पहले एक बार मैं पॉइंट लिख लेता हूं। पहला पॉइंट है ए बी प्लस सी, दूसरा पॉइंट है बी सी प्लस ए, और तीसरा पॉइंट है सी ए प्लस बी, ठीक है। पहले तो इसका क्या बनाएंगे? डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट बनाना अब तुम्हें आ चुका है, बहुत ही आसान होता है। देखो बोर्ड पे जरा, जिसे आ चुका है वो भी देखो और जिसे नहीं आया है वो भी देखो। देखो फिर से तुम एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और फॉर्मूला बनाना बड़ा आसान है, देखो कितना आसान है। देखो एक्स की पहली वैल्यू ए, एक्स की दूसरी वैल्यू बी, एक्स की तीसरी वैल्यू सी, मतलब कि ए बी सी, लिखो ए बी सी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब अगला देखो, वाई की दूसरी वैल्यू बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, क्या लिखोगे? बी प्लस सी, सी प्लस ए, और ए प्लस बी, समझ रहे हो ना। और लास्ट में तुम्हें मालूम है क्या डालते हैं? वन वन और वन। मुझे बताओ इस डिटरमिनेंट को तुम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो एक तरीका। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है भाई? दो ऑप्शन है। इस डिटरमिनेंट को डायरेक्ट सॉल्व कर लो किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से, हो जाएगा आंसर, आ जाएगा जीरो आ जाएगा। लेकिन एक है स्मार्ट तरीका, ऑपरेशन करके आसान बना लेते हैं भाई, है ना। देखो डिजिट होती तो मैं तुम्हें यही बोलता कि डायरेक्ट सॉल्व कर लो, जैसा कि अभी हमने करा था ऊपर वाले क्वेश्चंस में, क्या थी? डिजिट्स थी, हमने डायरेक्ट सॉल्व करा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर डिजिट नहीं है, तो बढ़िया रहेगा कि एक आध ऑपरेशन कर लो, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं सिर्फ एक ऑपरेशन कर लो, एक ऑपरेशन, एक ऑपरेशन करते ही सॉल्यूशन है, एक ऑपरेशन करते ही। देखो कितना आसान ऑपरेशन है, बोर्ड पे देखना,
बहुत ही सिंपल ऑपरेशन बताने वाला हूं। इधर देखो बोर्ड पे, ये तुम्हारा कौन सा कॉलम होता है? C1 पहला कॉलम, और ये कौन सा कॉलम होता है? C2 दूसरा कॉलम। तुम्हें C1 के अंदर C2 क्या करना है? ऐड करना है। बोर्ड पे देखो, ऐड करने के बाद क्या होगा? बोर्ड पे देखो, A+B+C है ना, B+C+A, C+A+B। मुझे बताओ ऊपर भी क्या मिलेगा? A+B+C। इसमें भी क्या मिलेगा? A+B+C। और यहां पर भी क्या मिलेगा? A+B+C। और फिर मैं A+B+C को बाद में क्या ले लूंगा? कॉमन है ना। एक काम करते हैं, ऑपरेशन करते हैं C1 पर। और क्या ऑपरेशन है? C1 में तुमने क्या ऐड कर दिया? C2। देखो अब जरा, 1/2 बाहर ऐसे चलाते रहो, बोर्ड पे देखना जरा। ए में क्या ऐड करा? B+C। A+B+C। बी में क्या ऐड करा? C+A। मैं डायरेक्ट लिख दूं, A+B+C। सी में क्या ऐड करा? A+B। ये भी क्या बना? A+B+C। हाँ, बीच वाले कॉलम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। B+C, C+A, A+B, 1 1 और 1। अब तुम्हें मालूम है A+B+C, 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 ये तीनों की तीनों वैल्यू बाहर कॉमन चली जाएंगी ना। और जैसी बाहर कॉमन जाएंगी, अंदर क्या बचेगा? 1 1 और 1। तो अगले स्टेप में कॉमन लेना है बस हमें। तो लिख देना टेकिंग कॉमन है ना, मैं सीधा कॉमन ले रहा हूं बिना लिखे। 1/2 बाहर रहा, और मुझे बताओ A+B+C बाहर आएगा ना, और A+B+C। अब अंदर देखो, बताओ यहां से A+B+C लिया, 1 बचा। नीचे से भी A+B+C लिया, 1 बचा। यहां से भी 1 बचा। बीच में क्या बचा? B+C, C+A, A+B, 1 1 और 1। मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताई थी, जब किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई सी भी दो रो या कोई से भी दो कॉलम सेम होते हैं, मतलब कि आइडेंटिकल होते हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई सी भी दो रो या कोई से भी दो कॉलम कैसे होते हैं? सेम होते हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। मुझे देखकर बताओ, यहां पर तुम्हारा C1 और C3 क्या सेम नहीं है? 1 1 1 और 1 1 1। तो लिखो देयर फोर 1/2। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई? पूरी की पूरी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई 0। हो गई ना? प्रॉपर्टी जरूर लिख देना साइड में, लिखना बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ये लिखना, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, इसलिए। अब बताओ अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई और 0 से मल्टीप्लाई करके पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब हमने ABC को क्या प्रूफ कर दिया? ABC आर कोलिनियर। ABC हमारे कौन से पॉइंट कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। हमें यही शो करना था। हमने एरिया कितना निकाल दिया एंड में लाकर? 0। और जब भी किसी भी ट्रायंगल का एरिया 0 आता है तो वो ट्रायंगल नहीं होता है, वो पॉइंट्स कैसे होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। वो पॉइंट्स कैसे होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर टिक कर लेना, मतलब कि ये वैरायटी इंपॉर्टेंट है, कई बार आती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू निकालनी है। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान से सुनो, जब वो हमसे के की वैल्यू पूछेगा ना, तो वो एरिया खुद दे देगा। जब भी क्वेश्चन हमसे के की वैल्यू पूछेगा तो एरिया वो हमें खुद देगा, एरिया वो हमें खुद देगा। और कितना दे रखा है? एरिया 4। फर्स्ट वाले पार्ट के लिए भी एरिया 4 है, और सेकंड वाले पार्ट के लिए भी एरिया 4 है ना। और वर्टिसेस क्या है भाई? देखो वर्टिसेस लिख लेता हूं मैं। वर्टिसेस दे रखे हैं K,0। वर्टिसेस हमें कितने दे रखे हैं?
कॉमा जीरो, फोर कॉमा जीरो और जीरो कॉमा टू, है ना, वर्टिसेस ये दे रखे हैं हमें। और एरिया भी लिख लेता हूं साइड में। एक काम करते हैं, एरिया की जरूरत एंड में पड़ती है, एरिया की जरूरत एंड में पड़ती है, अभी नहीं पड़ेगी। तो जब जरूरत पड़ेगी ना एरिया की, तब बात करेंगे। फिलहाल हम अपना एरिया निकालेंगे। क्वेश्चन ने एरिया कितना दिया है, चार, अच्छी बात है। उसके एरिया को बाद में यूज करेंगे, पहले हम तो कैलकुलेट कर ले कि हमारा एरिया कितना आ रहा है। मुझे बताओ एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया तुम्हें, बताओ। डिटरमिनेंट बनाते हैं ना, वन बाय टू, देखो के फोर जीरो, समझ में आई ना बात। अब इधर देखो, जीरो जीरो भाई, जीरो जीरो और टू, और लास्ट में क्या लेते हैं, वन वन और वन। मैंने बताया था उस कॉलम से या उस रो से सॉल्व किया करो जिसमें सबसे ज्यादा जीरो दिखाई दे। तुम्हें हमेशा उस रो से या उस कॉलम से सॉल्व करना चाहिए जिसके अंदर तुम्हें क्या दिखाई दे रहे हैं, सबसे ज्यादा जीरो। और बताओ सबसे ज्यादा जीरो फिर से तुम्हें कौन से कॉलम में दिखाई दे रहे हैं, सी टू में, है ना। मैं सी टू से ही सॉल्व करूंगा, कर्ली ब्रैकेट बना लिया। मुझे बताओ सी टू से सॉल्व कर रहे हो, जीरो लेने की जरूरत है, नहीं इस जीरो लेने की जरूरत है, नहीं। किसको लेंगे, टू को, टू की जरूरत है। मुझे बताओ टू किस में आ रहा है, टू आ रहा है तुम्हारी तीसरी रो में और दूसरे कॉलम में, है ना। देखो बोर्ड पे, ये मैंने सिखाया था ना, तीसरी रो और दूसरा कॉलम, बताओ क्या क्या बच गया, के वन फोर वन, के वन फोर वन, ये बचा ना, साइन भी लगा लेना तुम, हमेशा साइन भी लगा लिया करो। साइन क्या आता है भाई, माइनस करके देख लेना, प्लस माइनस करके देख लेना, माइनस ही आएगा। साइन हमेशा क्या आएगा, माइनस ही आएगा, है ना। आगे सॉल्व करते हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन ने हमें एरिया दे रखा है, वो एंड में यूज करेंगे, अभी नहीं। लिखो हमारा एरिया आ रहा है इक्वल टू वन बाय टू, अंदर सॉल्व कर रहे हैं भाई। पहले देखो इधर बोर्ड पे, माइनस टू तो अंदर रहा, अब इधर देखो के की वन से करी के और चार की एक से करी माइनस चार, ब्रैकेट क्लोज। अब अंदर मल्टीप्लाई दे देते हैं। मुझे देखकर बताओ, ये टू बाहर डिवाइड है और अंदर टू क्या है, मल्टीप्लाई। ध्यान से देखो, नीचे वाला टू इधर क्या है, डिवाइड, और उधर वाला टू क्या है, मल्टीप्लाई। क्यों ना टू से टू काट दे, काट सकते हैं ना। मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर इस तरह की चीजें कट सकती हैं। तो टू से तो टू काट दिया, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दो। बोर्ड पे देखो, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करते ही माइनस का तो हो जाएगा के, और माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे फोर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एरिया निकल आया माइनस के प्लस फोर। हमारा एरिया कितना निकल आया, माइनस के, बोलो, प्लस फोर। ठीक है, अब यहां तक तो हमने अपना करा है, अब क्वेश्चन ने भी एरिया दिया है। देखो बोर्ड पे, क्वेश्चन ने एरिया कितना दिया है, फोर। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जहां पर बच्चे गलती कर देते हैं समझाने के बाद भी, ठीक है। जब भी क्वेश्चन एरिया देगा, जब भी क्वेश्चन हमें क्या देगा, एरिया देगा, चाहे चार दे, चाहे दस दे, चाहे कुछ भी दे, हमेशा प्लस में देगा एरिया, वो हमेशा प्लस में देगा। लेकिन जरा सोच कर देखो, जरूरी है कि डिजिट प्लस में ही आई होगी, एरिया प्लस में होता है, लेकिन क्या डिजिट प्लस में होती है, नहीं। हमेशा डिजिट के तुम्हें कितने केस लेने, दो केस। क्वेश्चन तो तुम्हें हमेशा ही प्लस देगा, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमेशा दो केस लो, एक तो प्लस फोर और एक माइनस फोर, समझ रहे हो ना। अब देखो जरा बोर्ड पे,
प्लस फोर, एरिया कितना निकाला है तुमने, ये रहा एरिया, बोर्ड पे देखो, एरिया की जगह अपना एरिया डाल दो, माइनस के प्लस फोर इक्वल टू फोर। बताओ चार उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, चार से तो चार कट गया, माइनस के इक्वल टू जीरो और माइनस भी हट जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। माइनस भी जीरो के साथ हो गया खत्म, जीरो। अब इधर देखो, यहां पर भी एरिया डाल दो, माइनस के प्लस फोर इक्वल टू माइनस फोर। मुझे बताओ प्लस का चार उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का चार उधर जाके हो जाएगा माइनस का चार, और माइनस चार और माइनस चार माइनस के आठ ना, के इक्वल टू माइनस एट। हाँ, माइनस से माइनस कट कर देना, यहां से के की वैल्यू क्या आ गई, आठ। तो एक बात दिमाग में बिठा लो कि जब भी क्वेश्चन एरिया देगा तो तुम्हें दो केस लेने, एक केस लेना है प्लस का और दूसरा केस लेना है माइनस का। हमेशा बच्चे एक ही केस से सॉल्व कर देते हैं, प्लस वाले से आधे ही नंबर मिल पाएंगे, फिर आधे का मतलब है चार नंबर में आता है तो दो नंबर मिल पाएंगे बस। ठीक है, दो केस लेकर कंसिडर करे करो हमेशा। देखो अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, ठीक है, और उसमें भी हमसे क्या पूछी है, वही पूछा है जो पहले पूछा था, के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो -2,0 और 0,4, 0,k, ठीक है, ये तीन पॉइंट हमको दिए गए हैं और के की वैल्यू पूछी है। मैंने पहले ही बता दिया था कि जब भी क्वेश्चन हमसे के की वैल्यू पूछता है ना, तो क्वेश्चन हमें एरिया जरूर बताता है। क्वेश्चन जब भी हमसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन जब भी हमसे के की वैल्यू पूछेगा तो हमको एरिया जरूर बताएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन के लिए तो वही एरिया चल रहा है जो पहले बताया था, कितना बता रखा है, फोर। खैर, तो एरिया बता रखा है फोर, एरिया तो मैं बाद में डालूंगा, पहले मैं एरिया का फॉर्मूला बना लेता हूं। 1/2 क्या होता है, पहला पहला पॉइंट देखो, -2 0 0, -2 0 0, दूसरा दूसरा पॉइंट 0 4 k, 0 4 k, 1 1 1, ठीक है। क्या मैं एरिया की वैल्यू डाल दूं जो क्वेश्चन ने दी है, नहीं, एंड में डालना, जब सब कुछ सॉल्व हो जाए ना तो एंड में डालना। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं इसको, मुझे बताओ किससे सॉल्व करोगे। मैंने बताया था जिसके अंदर सबसे ज्यादा जीरो बने करे उससे सॉल्व किया करो। बताओ सबसे ज्यादा जीरो पहले कॉलम के अंदर बन रही है, तो जीरो जीरो को तो इग्नोर कर दो, -2 को ले लो। देखो -2 किस में आ रहा है, पहली रो में और पहले कॉलम में, तो 4 1 k 1 बचा ना, ये बच गया। ठीक है, और पहले वाले एलिमेंट के साथ क्या साइन आता है, प्लस का, और एक माइनस पहले से ही है, तो बताओ प्लस माइनस माइनस ही आएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, 1/2 अंदर सॉल्व करेंगे, देखो 4 की 1 से करूंगा, 4 की 1 से करूंगा 4, और k की 1 से करूंगा k, तो 4 माइनस k बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 4 माइनस k। ठीक है, अब दो तरीके हैं, या तो 2 को डिवाइड कर दो, देखो 2 को काट ही लेते हैं, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, माइनस की मल्टीप्लाई 4 माइनस माइनस प्लस k। ठीक है, ये आ गया एरिया, ये क्या आ गया, ये एरिया आ गया। अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब एरिया क्वेश्चन ने दिया है, एरिया किसने दिया है, एरिया क्वेश्चन ने हमको दिया है। ठीक है, और मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन एरिया हमको देता है ना, तो हम दो साइन लेकर चलते हैं, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। देखो मैंने एरिया का एक बार माइनस का साइन लिया है और एरिया का एक बार प्लस का साइन लिया है। अच्छा, ऐसा क्यों करा मैंने, मैंने एक बार माइनस का और एक बार प्लस का क्यों लिया, क्योंकि देखो क्वेश्चन ने हमको क्या दिया है, क्वेश्चन ने तो हमको एरिया दिया है। अब क्वेश्चन तो हमको एरिया पॉजिटिव ही देगा, क्वेश्चन तो हमको एरिया पॉजिटिव ही देगा, ये तो हमें सोचना है कि जरूर या तो माइनस रहा होगा या फिर प्लस रहा होगा, है ना, डिजिट तो कुछ भी हो सकती है ना, माइनस भी प्लस भी, लेकिन एरिया पॉजिटिव रहता है, इसलिए दो साइन लेकर चलने। और हमेशा ध्यान रखो कि जब भी के की वैल्यू निकालो तो एरिया के दो साइन लेकर चलो। खैर सॉल्व कर देते हैं, देखो -4 इधर आएगा, +4 हो जाएगा, तो बताओ -4 +4 से कट जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, यहां से आ गई के की वैल्यू 0। अब इधर देखो -4 इधर आके प्लस हो जाएगा, इस बार कटेगा नहीं,
क्यों? क्योंकि चार और चार जुड़ जाएगा कटने की जगह, कटने की जगह इस बार क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हमने जोड़ दिया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन, ध्यान रखना डिटरमिनेंट का इस्तेमाल एरिया निकालने के लिए भी किया जाता है, डिटरमिनेंट का इस्तेमाल इक्वेशन निकालने के लिए भी किया जाता है। इक्वेशन निकालनी है, अब देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर भी इक्वेशन निकालनी है और सेकंड पार्ट के अंदर भी इक्वेशन निकालनी है ना, तो मैं एक पार्ट कराऊंगा। देखो क्या क्या पॉइंट है, 1, 2, 3, 6। अब दो बातें याद रखना, पेन वगैरह छोड़ दो, सिर्फ याद रखनी है, लिखना चाहते हो उस बात को तो लिख लेना, पहले सुन लो। जब भी वो इक्वेशन बोलेगा ना डिटरमिनेंट की हेल्प से, डिटरमिनेंट की हेल्प से जब भी क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा इक्वेशन, वो 3 पॉइंट नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट देगा, 2 पॉइंट। हमेशा वो सिर्फ कितने पॉइंट देगा, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट कभी भी नहीं दे सकता, 3 पॉइंट वो तुम्हें कभी भी नहीं दे सकता, 2 ही पॉइंट देगा। पहली बात समझ में आई, कितने पॉइंट देगा, 2 पॉइंट, ठीक है। दूसरी बात, जब भी इक्वेशन पूछेगा तो एरिया क्या लेकर चलना है, 0। तुम्हें एरिया क्या लेकर चलना है भाई, 0 लेकर चलना है, ठीक है। देखो बोर्ड पे, उसने 2 पॉइंट दिया है, तीसरा पॉइंट नहीं देगा कभी भी, तीसरा पॉइंट तुम्हें खुद मानना पड़ेगा। लिखो लेट, लेट द पॉइंट, तुम उस पॉइंट को कुछ भी नाम दे सकते हो, ए बी सी वगैरह ना, मैं सीधा सिर्फ ये लिख रहा हूं, x, y। तुमने उस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, x, y। उस पॉइंट को तुमने क्या नाम दे दिया भाई, जल्दी बोलो, x, y, ठीक है। अब देखो जरा, लिखो एरिया का फॉर्मूला, 1/2। ध्यान से देखना, अब ये पहला पॉइंट जो क्वेश्चन ने दिया था, ये दूसरा पॉइंट जो क्वेश्चन ने दिया था, ये तीसरा पॉइंट जो हमने खुद माना है, क्या हुआ, हमने खुद मान लिया, तो काम तो वही करना है। देखो कैसे करते थे, एक्स की पहली वैल्यू 1, एक्स की दूसरी वैल्यू 3, एक्स की तीसरी वैल्यू एक्स, है ना, तो देखो क्या बनेगा, 1, 3x, 1, 3x, है ना। अब देखो 2, 6y, 2, 6y, बताओ तीसरी वैल्यू क्या लेते थे, 1, 1 और 1। मैंने तुम्हें बताया था इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में एरिया क्या ले लिया करो, 0। हमेशा इक्वेशन वाले क्वेश्चन में तुम्हें क्या लेना है, एरिया हमेशा 0 लेना है, हमेशा एरिया कितना लेना है, 0। तो एरिया की जगह तो 0 डाल लो, समझ रहे हो ना। अब 1/2, अब इसको सॉल्व करना है डिटरमिनेंट को, इस डिटरमिनेंट को तुम्हें सॉल्व ही करना पड़ेगा। ध्यान रखना इक्वेशन के अंदर कभी भी कोई ऑपरेशन वगैरह मत लगाया करना, जब भी क्वेश्चन इक्वेशन वाला है तो तुम्हें कोई ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सॉल्व किया करो, सीधा क्या करो, सॉल्व करो। देखो किसी में भी 0 तो है नहीं, तो किसी से भी कर लो, बराबर बैठेगा। इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी 0 नहीं है ना, किसी भी रो में और किसी भी कॉलम में 0 नहीं है। ध्यान से सॉल्व करो, इक्वेशन बनाएंगे, तो देखो उसको सॉल्व कर लेना, इक्वेशन आ जाएगी आराम से। तो अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, ठीक है, करते हैं भाई, इतनी देर से यही कर रहे हैं। मैंने बताया था इक्वेशन में वो कभी भी 3 पॉइंट नहीं देता, 2 पॉइंट देता है। इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में कभी भी वो हमको 3 पॉइंट नहीं देता, हमको सिर्फ कितने पॉइंट देता है, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम खुद मानते हैं, क्या मानते हैं, एक्स और वाई, क्योंकि तुम्हें भी मालूम है जब भी इक्वेशन निकलेगी तो किसमें निकलेगी, एक्स और वाई में ही निकलेगी। जब भी हम इक्वेशन निकालेंगे तो किसमें निकालेंगे भाई, इक्वेशन, इक्वेशन हमेशा किसमें निकाली जाएगी, इक्वेशन हमेशा एक्स और वाई में निकाली जाएगी। इसलिए हमने तीसरे पॉइंट को खुद क्या मान लिया, अपनी मर्जी से, एक्स और वाई, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन के लिए।
और मैंने बताया था इक्वेशन किसकी होती है, लाइन की। वैसे तो इक्वेशन और भी बहुत सारे आइटम की होती है, अभी तुम देखना क्या क्या पढ़ोगे, पैराबोला वगैरह, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसमें लाइन बोला है, ठीक है। लाइन का एरिया जीरो होता है, इसलिए एरिया क्या लेकर चलते हैं, इक्वेशन वाले क्वेश्चन में एरिया हम क्या लेकर चलते हैं, जीरो। एरिया क्या लेकर चलते हैं, जीरो। अच्छा, एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऐसे निकलता है। देखो पहला पहला पॉइंट 3 9 x, 3 9 x पहला पहला पॉइंट है, 1 3 y, 1 3 y, है ना। अब इधर देखो, अच्छा तीसरा कॉलम क्या लेंगे भाई, बचपन से जानते हैं, 1 1 1, बचपन का मतलब क्या, स्टार्टिंग से, है ना। कभी तुम सोचो हम तो नहीं जानते थे बचपन से, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है बचपन से मतलब स्टार्टिंग से, ठीक है। तो कर देते हैं भाई इसको, इसको करना बहुत ही ज्यादा दुनिया का आसान काम बन चुका है आज के समय में। देखो सॉल्व करते हैं, देखो पहले रो से सॉल्व कर रहा हूं मैं, पहली रो से। देखो 3, अब तो फट से हो जाता है, देखो 3 की 1 से करूंगा और y की 1 से करूंगा, है ना। अब तो हम इतने सारे क्वेश्चंस करके बैठे हुए, दूसरे वाले में तुम्हें मालूम है क्या, अब तो साइन याद रखे करो। देखो वो तो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था कि साइन बाद में लगाए करो, अब तो साइन हाथों हाथ लगा लिया करो। तुम्हें मालूम है इसके साथ क्या आता है, माइनस, है ना। तो माइनस का साइन आ गया, हाथों हाथ लगा लिया। देखो 9 की 1 से 9 और एक्स की 1 से x। अब देखो इसके साथ कौन सा साइन आता है, याद है, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का साइन आता है। अब इधर देखो 9 की y से 9y और x की 3 से -3x, है ना। और ये हो गया अपना ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू में चल रहा है 0। अब सॉल्व कर दो इसको, देखो वैसे तो इतनी देर से यही कर रहे हैं, 3 3 9, 3y, है ना। अब देखो -1 की 9 से -9, -1 की -x से तो +x, है ना। देखो -1 की 9 से -9 और -1 की -x से तो -minus +x। अब इधर देखो 1 की 9 से 9y और 1 की -3x से तो -3x, इक्वल टू में 0 चल रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसको थोड़ा सा अगले लेवल पर लेकर जाएंगे, मतलब और सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो देखो पहले डिजिट ले लेते हैं, ये प्लस का 9 और ये माइनस का 9, कट सकता है ना, तो प्लस का 9 माइनस के 9 से कट गया। अब y वाले ले लो, देखो 9y में से 3y गए 6y। अब x वाले ले लो, x में से 3x गए माइनस के 2x, इक्वल टू में 0, है ना। इक्वल टू में क्या है, 0 भाई, नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, परफेक्ट प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है। टू इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, खत्म हो गया। 0 के साथ जो भी आएगा 0 हो जाएगा, इसलिए कहते हैं 0 वालों से दूर रहो वरना तुम भी 0 बन जाओगे। अच्छा 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ रहा है तो जरूर लो, 2 3 6 और 2 1 2, तो x कॉमन आ गया 2, और 2 भी उधर भेज दो। देखो 2 इधर मल्टीप्लाई है, 0 में डिवाइड हो जाएगा, और मैंने बताया था कि जब भी कोई चीज इधर डिवाइड होती है तो उधर वो भी जाकर क्या हो जाएगी, 0। तो 3y-x=0, चेक कर लेते हैं यही इक्वेशन है या कुछ और है, ठीक है। कभी हमारा गलत हो जाए, है ना, कभी कभी गलत भी हो जाता है भाई, ऐसी बात नहीं है, हम कोई रट कर थोड़ी ना बैठे हैं। एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ तो अपना देखो फर्क कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया है ना, उन्होंने x पहले लिख रखा है, ठीक है, और हमने x बाद में लिखा है, उन्होंने 3y बाद में लिखा है और हमने पहले लिख रखा है। मैं एक चीज करके दिखा देता हूँ, वैसा इक्वेशन सेम है, आंसर मैच करके दिखा देता हूँ। देखो माइनस कॉमन लेना है, माइनस कॉमन ले लिया है उन्होंने, माइनस का एक्स क्या बन जाएगा, प्लस का। मैंने बताया था कि जब भी हम किसी में से माइनस कॉमन लेते हैं, जब भी हम किसी में से भी माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन बदल जाते हैं, माइनस का एक्स प्लस का एक्स बन गया और प्लस का 3y माइनस का 3y बन गया। ये काम कर रखा है। अब माइनस को भी 0 के साथ भेज दो, तो उधर 0 के साथ जाकर वो भी क्या हो गया, 0 हो गया। माइनस भी 0 के साथ गया और उधर जाकर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन वाला है, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनो। देखो इस क्वेश्चन को तुमने पहचाना, के वाली वैरायटी का ही क्वेश्चन। जब क्वेश्चन हमें क्या दे देता है, क्वेश्चन खुद हमें क्या दे देगा, एरिया। जब क्वेश्चन एरिया दे देता है
तो उस केस में के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन हमने करे थे ना, इस पर भी एच डब्ल्यू डालो, ये भी तुम कर सकते हो। मालूम है ना, एरिया के दो केस ले लिया करो, एक तो एरिया का केस ले लिया करो प्लस, और एक एरिया का केस ले लिया करो माइनस, है ना। जब भी क्वेश्चन हमसे के की वैल्यू पूछता है तो उस केस में तुम एरिया दो केस में लिया करो, एक बार माइनस और एक बार प्लस, मतलब कि एक बार माइनस 35 लेना और एक बार प्लस लेना,